फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मारुति अर्टिगा का रिव्यू। ये है मारुति अर्टिगा का फुल डिटेल रिव्यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसी है ये गाड़ी, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या क्या इसमें खासियत है, क्या क्या बुराई है, क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ नहीं है इसमें, क्या क्या होनी चाहिए थी, प्राइस क्या है, एवरेज क्या है, मॉडल्स कितने हैं, सभी फुल डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। हम आपके लिए ये गिव अवे भी लेके आएंगे, आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है, किसी और गाड़ी की वीडियो देखनी है, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी गाड़ियों की बना रखी है, आप सभी वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। वहीं पर बात करें तो ये आ जाती है हमारी मारुति अर्टिगा का एक सबसे सस्ता सेवन सीटर, जो इंडिया में सबसे सस्ती सेवन सीटर है और मारुति की गाड़ियों की आ जाती है, जो सबसे अच्छी एवरेज के साथ सबसे सस्ता सेवन सीटर और एवरेज देती है। तो ये काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, तो आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या बुराइयां हैं। तो जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर से। यह रही हमारी बाहर से इसकी कुछ लुक, काफ़ी एक बड़ी मैसिव लुक देती है, काफ़ी लंबी गाड़ी है, एक काफ़ी बढ़िया सेवन सीटर लंबी कार है। हर एक इंडियन के घर पे एक मारुति की कार होनी चाहिए, चाहे वो एक अमीर हो या चाहे नॉर्मल हो, लेकिन हर किसी के घर में अपने बजट के हिसाब से एक ना एक मारुति की गाड़ी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक मारुति की ऐसी गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा एवरेज देती हैं, सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली होती हैं। इस रेट में आपको इस टाइप की कार और कहीं नहीं मिलने वाली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर से। तो आप ये देख सकते हैं फ्रंट से कुछ लुक ये इस तरह का दिखता है, फिर सुजुकी का लोगो ऊपर बोनेट आ जाता है, नीचे फॉग लाइट्स आ जाती है, एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, एलईडी ट्रिम आ जाती है। आईब्रोज देख सकते हैं कितना प्यारा सा निकला हुआ है, चुंज की तरह। एक सेवन सीटर कार जो 8-9 लाख से शुरू है, तो लंबाई देख सकते हैं काफ़ी 5 डोर कार है ये, जो एक काफ़ी मैसिव लुक देती है साइड से देखने से, काफ़ी लंबी काफ़ी बड़ी कार है ये, दूर से देखने से पता लग जाता है ये काफ़ी कौन आ रहा है, जिसकी भी गाड़ी होगी ये दूर से दिख जाती है, पहचानने हो जाती है। तो काफ़ी एक रोड प्रेजेंट इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। अलॉय व्हील्स देख सकते हैं आप, फ्रंट डोर देख सकते हैं आप। तो वहीं पर पीछे की बात करें तो ये देखिए कितनी प्यारी सी लुक दी गई है इसमें, ये सुजुकी का लोगो, अर्टिगा का लोगो, वहीं पर एलईडी लाइट्स दी गई हैं। पीछे टेल लैम्प देख सकते हैं कितना प्यारा लंबा वाला और तिरछा वाला दिया गया है, तो नीचे सेंसर दिया गया है। तो ये देखिए साइड से ये इस तरह से लुक लगती है इसकी प्यारी सी, और देख सकते हैं हम और फ्रंट से ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो अब ओपन करके देखते हैं गाड़ी किस तरह से दिखती है हमें, ये गाड़ी ओपन करके तो देख सकते हैं दोस्तों, ओपन करके हमें गाड़ी ये कुछ इस तरह से दिखती है। जब आप बोनेट खोल देते हैं, डोर्स खोल देते हैं, पीछे का खोल देते हैं, पिछवाड़ा इसका खोल देंगे, तो आपको ये गाड़ी कुछ इस तरह से दिखेगी, इसकी प्यारी सी लुक दिखेगी। ये देख सकते हैं पीछे से काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस वगैरह सब कुछ है। अगर आप एक सेवन सीटर कार लेने की सोच रहे हैं तो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं, ये बेस्ट कार है, प्राइस के रेंज में भी, एवरेज में भी और अपने सेगमेंट में भी सबसे अच्छी गाड़ी है ये। बाकी गाड़ी और इसका सर्विस सेंटर की बात करें तो ये हर जगह तकरीबन अवेलेबल है, मारुति की कार्स हर जगह में अवेलेबल हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काफ़ी लंबी चौड़ी एक बड़ी कार है, आपको कुछ परेशानी नहीं होगी इसे ढूंढने वगैरह में। ये देख सकते हैं आप फ्रंट से कुछ इस तरह से खोल कर कुछ ये इस तरह से दिखती है। चलिए दोस्तों अब हम इंटीरियर में चलते हैं, आ गए हैं हम आपके इंटीरियर में, देखिए कितना प्रीमियम
इंटीरियर है इसका, कितना एक अच्छा इंटीरियर है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। ये रही आपकी 9 इंच की टच स्क्रीन और ये एसी वेंट्स। तो ये आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा, एसी वगैरह ज़्यादा करने का बटन, ये यूएसबी चार्जर और ये गियर शिफ्ट, ये हैंड ब्रेक आ जाती है। ये सीटिंग देख सकते हैं कितने प्रीमियम सीट्स हैं इसकी। ये ग्लव इंडिकेटर बॉक्स आ जाता है, ये डोर ओपन करने के लिए, मिरर ओपन करने के लिए। इस साइड बात करें तो ये स्टीयरिंग व्हील आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है आपका, डिस्प्ले आ जाती है वहीं पर आपको। सारे मिरर्स खोलने के लिए ये बटन्स आ जाते हैं, ये बटन सारे मिरर खोलने के लिए, आगे पीछे सब कंट्रोल करने के लिए। ये पीछे वैनिटी मिरर आ जाते हैं साइड की तरफ, ये देख सकते हैं आप ऊपर की साइड, ये देख सकते हैं आप, ये जो धूप पड़ती है तब ये काम आता है। और ये लाइट्स, ये लाइट आ जाती है, ये मिरर आ जाता है, उसके बाद ये आ जाता है। तो उसके बाद ये बात करें तो सीट बेल्ट वगैरह आ जाती है। तो पीछे से देखने में कुछ इस तरह से ये मैसिव लुक लगती है, ये देख सकते हैं। 10 लाख से शुरू हो रही गाड़ी, देखिए कितनी प्यारी है इसकी, मैसिव लुक है इस गाड़ी की। पीछे से बैठने में आपका कप होल्डर वगैरह सब कुछ है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की हमारी और वीडियो देखनी है तो हमने ऑलरेडी बना के रखी है, आप उन्हें भी चेक प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। ये रही हमारी मारुति अर्टिगा का बैक लिस्ट, जो 3 लोग आराम से पीछे, 2 लोग आगे, 3 लोग पीछे, 2 लोग पीछे। 7 सीटर कार है और स्पेशियस कार है, रोड प्रेजेंट काफ़ी अच्छा है, प्राइस एक बजट फ्रेंडली है। ये डोर ओपनिंग के लिए आ जाता है, ये मिरर अप डाउन करने के लिए आ जाता है। तो ये आ जाता है पीछे से देखने में पूरा, आपको पीछे से जब आप गाड़ी देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगी, ये काफ़ी प्यारी सी बड़ी सी मैसिव लुक दिखेगी आपको कुछ इस तरह की। आप गाओ, अगर आप इस गाड़ी को लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप ज़रूर जाएं, ज़रूर जाना चाहिए आपको, क्योंकि 10 लाख रुपए में आपको एक 7 सीटर कार मिल रही है जिसमें सब कुछ है A to Z। तो चलाने में कंफर्टेबल की बात करें तो काफ़ी एक अच्छा कंफर्टेबल है इसका एवरेज, 26 के एवरेज के साथ एक अच्छा कंफर्टेबल प्रीमियम गाड़ी है, सब कुछ ज़बरदस्त है इस गाड़ी का। आंख बंद करके आप इस गाड़ी के लिए जाएं, इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में, आप आंख बंद करके जा सकते हैं इस गाड़ी के लिए। एक फैमिली कार है जो 7 सीटर है, लॉन्ग टर्म में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको मारुति की गाड़ियों का यह रहता है कि इसका स्पेयर पार्ट वगैरह काफ़ी सस्ते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती गाड़ियाँ। आपको आंख बंद करके जाना चाहिए इस गाड़ी के लिए अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो। ये बहुत बढ़िया कार है, एक अच्छे रेट में मिल रही है, एवरेज भी काफ़ी अच्छी है, रोड प्रेजेंट भी काफ़ी अच्छा है। कलर्स की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग रेड, ब्लू, ब्लैक जो आपको चाहिए वो हो जाएगा। प्राइस की बात करें तो 10 लाख से शुरू है, 15 लाख तक। तो मॉडल्स हैं इसमें तकरीबन कोई 9 मॉडल्स अवेलेबल हैं, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, डीजल तीनों में आती है ये। हम प्रेफर करें तो आप सेकंड मॉडल या थर्ड मॉडल पे ही, सेकंड टॉप या थर्ड टॉप ही लें, या फुल टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप ही लें, उसके नीचे मत लें। क्योंकि अगर आप ये गाड़ी एक बार ले लेंगे तो आपको किसी और गाड़ी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी एक बढ़िया गाड़ी है ये मारुति अर्टिगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो हमने बना के रखी हैं, जो चेकआउट कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।